सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। एंड हमारे साथ है हमारा गेस्ट मेजर गौरव आर्या, एडिटर इन चीफ चाणक्य फोरम। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, चाणक्य फोरम ऐप आपने डाउनलोड किया अभी तक? अगर नहीं किया तो आज ही अभी कर लीजिए। जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी आपको सबसे अच्छा न्यूज चाहिए पढ़ने के लिए, आप सभी न्यूज आपको चाणक्य फोरम में मिल जाएगा। मेजर गौरव आर्या, वेलकम टू द न्यू टेवर शो। आपका अपना ही शो है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो एक्चुअली द लास्ट वीक हम लोग इसके जो पहला एपिसोड था वहां पे हमने शुरुआत की और इंडियन आर्मी के बारे में कि कहां से इसका शुरुआत हुई थी। तो आज हम जानना चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर सिलेक्टेड होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जी नोबर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए मुझे। जहां तक इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का सिलेक्शन है, इसमें कई सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन एंट्रीज कई किस्म की हैं, चार पांच अलग अलग किस्म की एंट्रीज हैं। लेकिन जब ऑफिसर बनते हैं सबको SSB क्लियर करना पड़ता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए है। थोड़ा सा अलग अलग रहता है लेकिन बेसिकली इज द सेम फॉर्मेट, इज एग्जैक्टली द सेम, मोर और लेस द सेम एक्चुअली। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्मी में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां पे एप्टीट्यूड देखा जाता है, पर्सनालिटी टेस्टिंग देखी जाती है, एक पर्सनालिटी टेस्टिंग करी जाती है इंडिविजुअल की। सो ऑफन इट इज सेड, एक कहावत है कि इट इज नॉट लुकिंग, द आर्मी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन, इट इज लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से होता है। ऐसे होता है नुपुर जी की अगर एक रेस है ग्रुप टास्क में, अगर सब लोग दौड़ रहे हैं एक साथ मिलकर, एक ग्रुप एक पूरा एक सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉब्लम, एंड इट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड, यहां से कूदना है, यहां से जाना है, यहां से, तो एक एक है ऑब्स्टिकल है। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट आ गए, अच्छी बात है आप फर्स्ट आ गए, लेकिन दैट इज नॉट एवरीथिंग। इसमें ज्यादा जोर इंडियन आर्मी इस चीज में देती है कि किस तरीके से आप फर्स्ट आए, जिसको हम नियत कहते हैं हिंदी या उर्दू में नियत, वो इंडियन आर्मी में बहुत जरूरी है कि क्या आपने लीडरशिप क्वालिटी शो करी कि नहीं करी। जब आपके जो कमजोर कैंडिडेट थे वो पीछे रह गए, कि आपने उनको बकअप करा, कि आपने उनको मोटिवेट करा, क्या आप उनको अपने साथ लेकर आ गए। तो इंडियन आर्मी का ये मानना है कि जो एक एक इंसान, जो अगर पांच या छह लोगों की एक टीम है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि SSB में ऐसा ही होता है, पर SSB का माइंडसेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन इजी टर्म्स, कि अगर कोई पांच छह लोग हैं और उनका एक है जो बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट आ गया, तो ठीक है, अच्छी बात है वो फर्स्ट आ गया, बट दैट इज अ साइन ऑफ हिज फिजिकल फिटनेस, कि वो फिजिकली कितना अच्छा है। SSB इज नॉट अ जज ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, दे आर नॉट देयर टू जज योर फिजिकल फिटनेस, क्योंकि एकेडमी में तो रगड़ा पड़ेगा, फिजिकली फिट आदमी हो जाता है एकेडमी में कोई भी हो, राइट। वहां पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देख रहे हैं कि आप जो बाकी लोग थे उनको साथ लेकर आए कि नहीं, हैव यू लेफ्ट पीपल बिहाइंड और नॉट, आप उनको साथ लेकर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आपने उनको मोटिवेट करा कि नहीं करा, वो आप में एक लीडर देखते हैं कि नहीं देखते। सो वहां पे वो वाली चीजें देखी जाती हैं, और जिनमें होती है चीजें और उनको सेलेक्ट करा जाता है। कभी कभी तो SSB के बोर्ड में 200-250 कैंडिडेट होते हैं, और पूरा का पूरा, ऐसे कई हमारे टाइम पे तो ऐसे बोर्ड होते थे, आजकल पता नहीं क्या है, कि जहां पे 250 के 250 वाइप आउट हो गए, एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आर्मी, हाँ, थोड़ा सा पर्टिकुलर है आर्मी इस मामले में, इसलिए फौज में हजारों ऑफिसर्स की शॉर्टेज है आज की तारीख में भी, इट्स शॉर्ट, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, और ये देख के वो लोग सिलेक्ट नहीं करते, चाहे आप फर्स्ट भी आ गए लेकिन आपको आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। नहीं, इसमें देखिए, जो फर्स्ट आ गया, अगर 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 आप रेस में फर्स्ट आ गए तो ये तो आप, इसका मतलब आप फिजिकली फिट आप आ गए, तो फिजिकली फिट तो आप एकेडमी में हो ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपका वो तो देखिए, एकेडमी में सबको जब चाबी लगती है सभी फिजिकली फिट हो जाते हैं, रात दिन दौड़ना ही तो है एकेडमी में, यही तो काम है ज्यादातर, पढ़ाई लिखाई होती है, दौड़ते हैं और क्या करते हैं, यही काम करते हैं एकेडमी में, एक्सरसाइज होती है, ड्रिल होती है, और फिर स्टडीज होती हैं, जो होती हैं पढ़ाई, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री लॉ, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर पढ़ाई होती है। कहने की बात यह है नुपुर जी की, ये जो हम बातें करते हैं कि SSB सेलेक्ट किसी को क्यों करता है,
वो उसकी पर्सनालिटी देख रहा है, वो उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं देख रहा। फिजिकल फिटनेस के होंगे कुछ मार्क्स जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसेंशियली इट इज टू सी दी पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन की भाई इसकी पर्सनैलिटी क्या है। जब गोलियां चलेंगी, जब मुश्किल के हालात होंगे या कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर होगा, तो वो जो कैंडिडेट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स, नॉट द ओनली थिंग बट वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ SSB, वन ऑफ द मेन फीचर्स इफ आई कैन कॉल इट दैट, इन चेकिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू गो फॉर ट्रेनिंग एंड देन परहैप्स बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। So, इसके साथ तो टीम स्पिरिट भी आ जाते हैं, मतलब यू आर नॉट अलोन, यू आर टेकिंग योर होल टीम विद यू, सो डेफिनेटली लीडरशिप तो है ही, उसके साथ एक टीम स्पिरिट की हाँ आप बाकी टीम मेंबर जो है उसको भी मोटिवेट करके अपने साथ ले जा रहे हो। बिल्कुल नूपुर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए ऐसा होता है कि हम इसको OLQs बोलते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी। OLQs means officer like qualities. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है, वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लीडरशिप, इनिशिएटिव, कभी कोई चीज हो जाए तो उसमें इनिशिएटिव ले, ही शुड नॉट वेट कि मुझे कोई बताएगा तब मैं करूंगा, ही टेक्स इनिशिएटिव। और एक और चीज आर्मी में विच इज यू नो दे गिव अ लॉट ऑफ प्रीमियम टू इट, या बड़ा इंपॉर्टेंस इस चीज को देते हैं कि यू नो हाउ यू मैनेज थिंग्स, इन द सेंस कि देखिए कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी और उसको मैनेज करने के लिए आपके पास टूल्स नहीं होंगे, क्योंकि अचानक कोई सिचुएशन, आप हर सिचुएशन के लिए टूल्स कैरी नहीं कर सकते। आप कैसे अपने आप को ढालते हैं, आप कैसे अपने टीम को उस सिचुएशन में ढालते हैं और कैसे उसको ओवरकम करते हैं, कैसे जीत हासिल करते हैं। तो एक ऑफिसर को, जो एक ऑफिसर ढलता है, एक ऑफिसर बनता है, इवन एकेडमी में जब वो सेलेक्ट हो जाएगा SSB में, यानी गोज टू द एकेडमी, OTA जाए, IMA जाए, कहीं पे भी जाए, एम वही होता है। एम इज टू इनकलकेट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन कैडेट, जो अकेडमी में हम लोग कैडेट बोलते हैं, उसमें लेडी कैडेट हो, जेंटलमैन कैडेट हो, दोनों में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी गलती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी टीम को कुछ मत बोलो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ऑफिसर हूं। दिस इज द रीजन नूपुर जी, अगर आपने नोट करा होगा कि अगर आप कभी भी देखें कि कारगिल की या कोई भी लड़ाई में आप देखें, तो आप बहुत सारे उसमें ऑफिसर कैजुअलिटीज जो इंडियन आर्मी में हैं, जो हमारे ऑफिसर शहीद होते हैं, ऑफिसर की डेथ्स होती है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं। और कोई दुनिया की आर्मी ऐसी नहीं है जिसमें इतना डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफिसर कैजुअलिटीज होती हैं। अगर आप सिर्फ अगर आप कारगिल की बात करें, तो यू हर्ड अबाउट कैप्टन मनोज पांडे, यू नो, एंड यू हर्ड अबाउट मेजर पद्मपानी आचार्य, यू हर्ड अबाउट कैप्टन बत्रा, एंड यू हर्ड अबाउट सो मेनी अदर, यू नो, कैप्टन केंगरूज, टू राजे, ये दोनों अफसर दो राजे के ही हैं, राइट। एंड सो यू हियर अबाउट सो मेनी ऑफिसर्स, दीज आर यंग ऑफिसर्स। ऐसा होता क्यों है फौज में, और कोई फौज में आपको और किसी आर्मी में ऐसा नहीं देखेंगे कॉम्बैट में कि इतने ज्यादा ऑफिसर शहीद हो रहे हैं इंडियन आर्मी में, बिकॉज यू आर टॉट फ्रॉम डे वन कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट टेल अ पर्सन कि तुम ये काम कर दो क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। यू हैव योर प्रिविलेजेस एज एन ऑफिसर, आपको हर वो प्रिविलेज मिलेगी जो एक ऑफिसर को लागू है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, बट जहां पे रिस्क आता है, जहां पे खतरा आता है, वहां पे यू विल फाइंड ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। आप कश्मीर में भी देख लीजिए, आप गलवान की बात, अभी गलवान की एनिवर्सरी आ रही है, आप बैटल ऑफ गलवान देखिए, अ कर्नल लेवल ऑफिसर, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नल बाबू, अ कर्नल लेवल ऑफिसर ले डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। कर्नल इज अ सीनियर पर्सन, वो क्या कर रहा था वहां पे, व्हाट वाज कर्नल बाबू डूइंग देयर, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही वाज लीडिंग बाय एग्जांपल। तो आर्मी में जब भी कहते हैं, एकेडमी में हमें सिखाया जाता है कि जब भी अटैक बोलना होता है ना, तो ऑफिसर विल नेवर से अटैक, ही विल ऑलवेज से फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, आई विल लीड द वे। So that is leadership by example that they teach in the Indian Army. वो trait देखते हैं वो SSB में, कि इसमें वो follow me वाला वो DNA है कि नहीं है। रेस में फर्स्ट आना, तो आप 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी रेस में फर्स्ट आ जाओगे, दूसरे लोगों के जो नॉर्मल लोग हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। वो तो अकेडमी में ठोक पीट के बजा के सबको फिजिकली फिट कर देते हैं, लेकिन वो DNA है कि नहीं है ऑफिसर बनने का। लीडरशिप कैन बी पॉलिश्ड, यू कैन नॉट क्रिएट लीडरशिप आउट ऑफ थिन एयर, वरना सभी SSB में सेलेक्ट हो जाते हैं ना। अगर लीडरशिप एकेडमी में ही बनती, एकेडमी में पॉलिश होती है, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको एम्पलीफाई कराया जाता है,
उसको एक एक सांचे में ढाला जाता है, एक आर्मी के डिसिप्लिन में ढाला जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट यू नो सम पीपल आर बॉर्न विद सम ट्रेट्स एंड सम पीपल आर नॉट बॉर्न विद सम ट्रेट्स एंड इट्स ऑल राइट, इट्स ओके. True, exactly. तो यहाँ पे मेरा खुद का एक सवाल आ रहा है कि हमारा जो एजुकेशन, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, तो डेफिनेटली यू नो जैसे मैंने सवाल किया टीम स्पिरिट, आप बोल रहे कि फॉलो मी नॉट अटैक, है ना, तो वो लीड करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी. तो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में वो हमेशा हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी द फर्स्ट, आप किसी को लीड नहीं करोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल. तो ये कितना डिफरेंट है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से एक जा रहा है आर्मी के लिए. एंड तो हमें जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक जो हमारे सिस्टम है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है समथिंग एल्स, यू हैव टू बी द फर्स्ट, यू डोंट हैव टू लीड एनीवन. एंड ही यू आर गोइंग टू द आर्मी स्कूल एंड वहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो रहा है एंड आपका जो क्वालिटी आप में चाहिए वो होगा लीडरशिप, है ना. तो आपको नहीं लगता ये हमारे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से और आर्मी सिलेक्शन से? आर्मी में मैं, नुपुर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए आर्मी में ना यू आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. आपको एजुकेशन सिस्टम, गाड़ी क्लास है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, सामने मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस. और फर्स्ट आने की चेष्टा करनी भी चाहिए, स्टूडेंट्स को फर्स्ट आने की कोशिश भी करनी चाहिए, व्हाई नॉट. एंड आर्मी मैं एक आपको बात बता दूं, थोड़ा सा विरोधाभास भी है, क्योंकि आर्मी में देखिए आर्मी में आपको जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, यूनिट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, आपको इंडिविजुअल गेम बहुत कम मिलेंगे. जनरली प्रेफर्ड गेम्स क्या होते हैं जो यंग ऑफिसर्स खेलते हैं? फुटबॉल है, विच इज अ टीम गेम, हॉकी है, विच इज अ टीम गेम, राइट? तो जनरली टीम गेम्स होंगे. ऑफिसर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स नहीं खेलते, यानी कि जब आप एक बार कमीशन हो जाएंगे तो यू विल नॉट फाइंड की यूनिट में ऑफिसर्स आर बॉक्सिंग जनरली. Unless there is a guy who's playing services, playing nationals, वो अलग बात है, then he's at a different level altogether. But मैं unit level की बात कर रहा हूँ. तो आपको generally volleyball है, basketball है, these are team games. एक team spirit inculcate करी जाती है, लेकिन उसमें उसमें जो competitiveness है army में, army people are army officers and even jawans and JCOs, ये basically by nature competitive होते हैं. And it is not कि लड़ाई में कौन जीतेगा, वो तो है ही, खैर दैट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरी सोल्जर, कि लड़ाई में कौन जीतेगा. इवन व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, इवन इफ देयर इज एनी एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, द एम इज टू कम फर्स्ट, बट एम ऑफ द टीम टू कम फर्स्ट, नॉट द इंडिविजुअल टू कम फर्स्ट, राइट? सो आर्मी में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे इंडिया का जो इंटरनेशनल ओलंपिक होप है नीरज चोपड़ा, वो जैवलिन थ्रो करता है नीरज चोपड़ा, ही इज वो राजपूताना राइफल्स का, राइट? सो ही इज फ्रॉम द आर्मी, राइट? वो आपने देखा होगा टॉल लंबे बाल वाले इज थ्रोइंग अ जैवलिन, सो ही इज फ्रॉम द आर्मी. एंड शूटर हैं सुबेदार जीतू राय, आई डोंट नो हिज लेटेस्ट रैंक, सो आई अपोलोजाइज इन केस आई एम रॉन्ग, बट there are so many national and international level athletes from the army jo ki individual sports mein jo jeete hain medals jeete hain desh ke liye commonwealth mein asian mein olympics mein lekin wo specialization hai main baat kar raha hu jo unit level pe games hote hain jo general games hote hain unit level pe wahan pe individualistic games jaise unit mein cricket nahi kheli jati matlab sunday ko theek hai char officers mil gaye thoda sa khel liya wo alag cheez hai lekin when you play with the troops wo fir to contact sports hote hain bade aur nobar ji bahut khatarnak hote hain wo. This level of competition जो कि एक यूनिट में होती है, पल्टन में होती है, between companies, ना अल्फा का ब्रावो, चाली का डेल्टा से, ये तो ऐसे होती है आपको लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है, मतलब it's full contact, like American football, they play every game exactly. like American football, बहुत ज्यादा, मैं खून खराब है, मैंने देखा है अपने सामने, मतलब कि किसी की नाक टूटी है, किसी का फ्रैक्चर, मैंने नॉर्मल गेम्स में देखा है, मैंने अपनी यूनिट में देखा है लोगों का, इतने पैशन के साथ खेलते हैं, खेला है और जीतने से ज्यादा हारा भी हूं मैं. because they play with, it's not easy because you know troops ka, and they are always looking at you na, ki India mein troops ka ek mindset hai ki you have to prove yourself, to wo har samay dekhte rehte hain ki hamare upar to aa gaya academy se train karke lekin isme dam kitna hai, and they will keep checking you, some troops check more, kuch kam karte hain, ye bhi ek badi interesting baat hai, agar main samjhaunga to aise fir aapke jo dekh rahe hain darshakon ko samajh mein nahi aayegi baat, kyunki iske liye bhi thoda sa ek experience hona chahiye is mamle ka, lekin
it's very highly competitive. Indian army is competitive at every level. Har cheez. I mean, choti se choti cheez mein bhi. Kyunki, dekhiye, competitiveness jo hoti hai na individual ki. It is part of your DNA. Right? True. Agar main kuch likhunga bhi na, agar main, and mere andar bhi ye aadat hai bahut zyada. Even if I write something, I want to write the best. Jabki dusre wale ko pata bhi nahi hai ki competition ho rahi hai. He is not even interested. Par wo mere dimag mein keeda hai. And that is the nature of people. That is how, in fact, it's extremely competitive. Jo unke kuch examinations hote hain Indian Army ke, major rank mein when people have to qualify for DSSC hai, Wellington mein, OT mein, ek jagah, staff college bolte hain usko. Agar wahan pe bhi aap jayenge, to aap dekhenge. Main to uske bahut pehle aa gaya tha army mein, aur agar main attempt bhi karta to mera nahi hota, main aapko bata dun. Kyunki usme dimag bahut lagta, padhai bahut lagti hai. And I was never very good at academics, but I can tell you one thing. It's extremely competitive. Extremely competitive. It's not easy by any stretch of the imagination. Bahut jaan lagti hai isme. And I think Fauji's best ek Fauji ka tab nikalta hai jab competition hoti hai. When you tell them that there is something to compete, it can be a route march. 35-40 kilometer ka march ho. Usme aap dekhiye. Koi padhai ki baat ho. Usme aap dekhiye. It's not just physical. Even mental, even intellectual. To har cheez jaan laga ke karte hai Fauji. Matlab, it's like ki ये जो फुटबॉल मैच हो रहा है ना, ये इस दुनिया का, आप देखिएगा कभी जब बटालियन लेवल पर फुटबॉल मैच होता है इंटर कंपनी, या इवन ब्रिगेड में होता है, इंटर बटालियन, ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री बटालियन होती है, जब उनके बीच में मैच होता है, तो आपको उनको देख के लगेगा कि यू नो ये दुनिया का आखिरी फुटबॉल मैच है और कल दुनिया खत्म होने वाली है. यानी कि कल भगवान ने बोल दिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बस आज आखिरी दिन है जब ये मैच होगा, इसके बाद दुनिया में कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा या हॉकी नहीं खेलेगा. वो उस जज्बे के साथ खेलते हैं. सो दिस इज वेरी यूनिक टू द इंडियन आर्मी. तो बहुत पैशन होता है, मतलब हर चीज के लिए. अरे उनका बहुत जबरदस्त पैशन. एंड इट्स नॉट जस्ट, एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट फॉर स्पोर्ट्स और द फिजिकलिटी ऑफ स्पोर्ट्स. इट्स इवन इन इंटेलेक्चुअल रिगर, यू नो. इट्स एंड ऐसा नहीं कि उनको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए. एक सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ ऑनर है. यू नो माई यूनिट कैन नॉट बी सेकेंड बेस्ट. मेरी यूनिट सेकंड बेस्ट नहीं हो सकती. माय यूनिट हैज टू बी द बेस्ट. इट इज नॉट आई हैव टू बी द बेस्ट, मतलब आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. मेरी इंडिविजुअली किसी की कोई वो नहीं है, ठीक है. इट इज फॉर द सेक्शन, फॉर द प्लेटून, फॉर द कंपनी, फॉर द बटालियन. तो मेरी यूनिट है, या मेरी पल्टन है, मेरी बटालियन है. लाइक मेरी यूनिट है 17 घुमाओ. तो यू नो इट्स अ डिफरेंट, it's a mad passion sort of a thing. मैं समझाने में मैं नहीं समझा पा रहा आपको, लेकिन it's like कि जान झोंक देते हैं लोग, कुछ भी काम करते हैं ना फौज में. That is the character of the Indian Army. It's मतलब excellence in everything. आप कभी भी देखिएगा कैंटोनमेंट में, ज्यादातर, हर जगह नहीं, पर क्योंकि they don't cut trees, they only plant them. But आप कभी भी देखना कि जो पेड़ भी लगाएगा ना फौजी, एक लाइन में लगाएगा. It's अगर कोई जमीन दे दी जिसमें पुराने पेड़ लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो हैपजार्ड लगे हैं, तो वैसे ही चलेंगे. आप फौजियों को बोलो 10 पेड़ लगाओ. दैट इज द माइंडसेट. एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट. द वे दे विल सर्व यू फूड, नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज्ड, लाइक यू आर इन जापान. आपने एक सोसाइटी में परफेक्शन देखा है? द वे दे सर्व, द वे दे टॉक. यस, एग्जैक्टली. यू मस्ट हैव सीन अ सर्टेन लेवल ऑफ, इट इज द सेम एटीट्यूड of the Indian Army. There has to be perfection in war. There has to be perfection in sport. There has to be perfection in eating. There has to be perfection in behavior. And that is what they aim for. ये कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं उसी में. उनका aim ये है कि even firing range में जाएंगे, ठीक है. Shooting practice हो रही है normal. There is no enemy. Cardboard के targets हैं. उसमें भी the aim will be to come first and aim will be to be better than everybody else. मतलब कुछ भी करो, बी द बेस्ट विद परफेक्शन. बी द बेस्ट एंड मेक योर टीम द बेस्ट. दैट इज टीम स्पिरिट की जो आपने बात बोली थी ना, वो बहुत जरूरी है. आप इंडिविजुअली बेस्ट हो जाए तो फौज में ना, ठीक है, दे विल लव यू, दे विल रिस्पेक्ट यू, दैट ठीक है. बट इफ यू विन विथ योर टीम, सो देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर सच अ पर्सन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल फौजीज. देयर इज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर सच पीपल, दैट ये टीम को लेके, you know, इसने टीम के लिए करा है या अपनी यूनिट के लिए करा है, तो उसका फिर नाम लोग याद रखते हैं. generations upon generations they are remembered. So that is special.
Wonderfully you described. Actually, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सवाल है. जैसे आपने बोला मैं कुछ अगर लिखूंगा फिर भी you know, I'll make sure कि perfections के साथ मैं लिख रहा हूँ. तो आप अगर आपको लगता है कि आप अगर आर्मी में नहीं गए होते तो वो नहीं आया होता आप में? मैं तो बहुत ही यूजलेस था. मैं आर्मी में गया तो उन्होंने इंसान बना दिया मार मार के. मतलब मैं तो आई वाज सी आई विल टेल यू व्हाट टुडे अ लॉट ऑफ पीपल से यू नो मेजर आर्या राइट्स सो वेल ही स्पीक्स सो. देखिए मैं आपको बताता हूँ, इट इज ऑल क्रेडिट टू द इंडियन आर्मी दैट मुझ जैसे एवरेज या बिलो एवरेज इंसान को ना उन्होंने ऐसा बना दिया कि देर आर टू थ्री पीपल हु लुक अप टू यू. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आर्मी. अगर मैं फौज में नहीं गया होता ना यार, हमें तो ना, मैं देखिए हम तो हॉस्टल में थे. हमारे कॉलेज में उसको रेजिडेंस बोलते हैं, अभी थोड़ा सा एलिटिस्ट है तो रेजिडेंस है. हमारा कैंटीन नहीं होती, हमारा कैफेटेरिया होता थोड़ा सा वो. लेकिन फिर भी वो सब ऑल दोज थिंग्स असाइड, यू नो कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करनी है, अपने आप को कंडक्ट कैसे करना. और अभी भी गलतियां होती हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है. जो गलतियां हैं वो मेरी हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इंडियन आर्मी के हैं. मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, आज भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है. बट आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव मेस्ड अप, एंड देन आई ट्राई टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड आई ट्राई नॉट टू रिपीट इट. बट देयर इज दैट सेल्फ एनालिसिस. दूसरी चीज ये है कि ना, मैं फौज में आज की तारीख में मैं बताता हूँ कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ सिखाया है, एक जगह खड़ा कैसे होना है, चार लोगों के बीच में बात कैसे करनी है, ठीक है, और यू नो एज एन इंडिविजुअल अपने आप को आपको कैसे रखना है, किस तरीके से आपको कंडक्ट करना है अपने आप को, अगर फौज नहीं सिखाती, सो आई वुड हैव रिमेंड बिलो एवरेज ऑल माय लाइफ. इट वाज ओनली द इंडियन आर्मी दैट पिक्ड मी अप एंड दे सेड कि नहीं यार, वी सी 1% होप इन दिस गाय, चलो इसको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं. तो फिर ओटीएन है, उनका बट फौज मुझ जैसे लोगों को भी ऐसा बना देती है कि पीपल स्टार्ट एंड देर आर सो मेनी पीपल यू नो मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ फौजीज हु आर 100 टाइम्स बेटर देन आई एम. इट इज जस्ट दैट की वो लोग टीवी पे आना पसंद नहीं करते, टीवी पे आते नहीं, यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करते या आते नहीं है. So these are hidden gems. आप किसी भी फौजी के पास जाएंगे तो आपको एक आखिरी चीज बताता हूं आपको, then we can proceed. आपको एक फौजियों की बात करने का तरीका, there will be a sameness in the way they talk. एक standardization बन जाता है academy से. आप देखना कि they will use the same phrases. They have their own individual traits, no doubt. But आप मोटा मोटी देखेंगे ना, सारे फौजी की लैंग्वेज एक जैसी होती है. So immediately when you hear somebody talking, you'll know that ये फौजी है. He's wearing civil clothes पहना है वो, ठीक है. As soon as he opens his mouth, you'll know he's a Fauji. Because we come out of the same academies actually, and all of them are taught the same basics, and there is a massive level of what do you say, standardization in the Indian Army. जो आपको मद्रास regiment में दाल मिलेगी ना, उसका taste कुमाऊं regiment में भी वही होगा, मराठा में भी वही होगा. मतलब there is an, of course, troops will have their own likes and dislikes in food, and they will eat accordingly. You know, Bengali troops will like to eat more rice, and Punjabi troops will like to eat more chapatis or rotis. Similarly, hill troops, jo hain Kumaunis, Garhwalis, Gurkhas, wo rice zyada pasand karenge. Theek hai? Koi log rice nahi pasand karenge. Jat aur Rajput troops will generally prefer to eat wheat, kyunki unka cultural aisa hai. Lekin generally, aap dekhenge ki there is a very high level of training. To bilkul same hai infantry battalions mein. Exactly the same precise everything. So there is this standardization. So if I go to any unit, there is no feeling of discomfort. मैं कहीं भी चले जाऊँ Indian Army में आज भी, there is no feeling of discomfort कि यार ये कौन सी कहाँ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है. I'll be equally comfortable. ये बात है. तो आपने जैसे बोला ना, अभी जो आपने बोला, अगर simple language में word में अगर मैं इसको डालूँ तो equality. You know, आप चाहे कहीं भी, आप मैड्रास में भी जाए या कोई यू नो आपके कहीं भी इंडियन आर्मी के कहीं पे भी जाए तो आपको एक ही डाल मिलेगा, है ना. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जापान में द सेम थिंग यू विल फाइंड. यू नो, आप अगर टोक्यो के स्कूल में, हाई स्कूल में जाए और आप जाए वो क्यूशू एकदम नीचे वहां के हाई स्कूल में, आपको एक ही सिस्टम मिलेगा.
आपका इवन द यू नो आर्किटेक्चर द वे इट इज बिल्ट द स्कूल द वे द स्टाफ रूम द क्लासरूम द वे दे कीप देयर बुक्स एवरीथिंग इज सेम आपको नहीं लगेगा कि मैं कहीं पे मतलब इतना ऊपर से टोक्यो से मैं क्यूसू आ गई हूँ या क्यूसू से मैं टोक्यो आ गई हूँ सो दिस इज द थिंग आई थिंक यू नो आई फील लाइक लॉट ऑफ सिमिलरिटीज की दे कॉल इट लाइक बियोदो इक्वालिटी कि यहाँ पे हम सबको सब कुछ इक्वल रखना चाहते हैं हम सो दिस इज आई थिंक इंडियन आर्मी एंड जापानी सिस्टम वेरी सिमिलर हियर वी फाइंड लॉट ऑफ सिमिलरिटीज Yeah, because Japanese was also a militaristic society. If you talk about Shoguns, the irony is, you know, especially after the unification and the Tokugawa Shoguns, and even pre-Second World War, if you look at Japan, what was Mitsubishi, the company that makes cars today? Mitsubishi was making fighter planes. Yes. Mitsubishi, half these Japanese companies were making weapons before the war. After the war, they made TV, washing machine. अगर आप 75 साल पहले देखिए इनसे पूछिए कि 75 साल पहले तुम लोग क्या बनाते थे तोपे बनाते थे ये लोग एंड जो एक रिस्पेक्ट है जापानी सोसाइटी में राइट बिकॉज यू आर आपको इंडियन आर्मी के बारे में इतना नहीं पता है बट आपको जापान आप कितने टाइम से जापान में रह रही है नुपुर जी तो मैं आपको बता दूं कि यू विल फाइंड अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी कल्चर इज वेरी रिस्पेक्टफुल इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल कल्चर एंड नॉट जस्ट टुवर्ड्स द सीनियर्स इवन टुवर्ड्स द जूनियर्स देयर इज अ सर्टेन रिस्पेक्ट There is a certain love and affection. एक camaraderie, एक brotherhood है, एक bonhomie है. और मुझे पता है कि ये Indian Army का officer है, मैं से दो घंटा पहले मिला हूँ, ठीक है? दो घंटा पहले मिला हूँ. But मैं जानता हूँ कि I can tell my family members to stay at his house and they will be looked after. मतलब I don't know how to describe it. There are some things in the Indian Army that are given. ये होगा. इसमें कोई बहस नहीं है इसमें कोई वाय नहीं है इसका लॉजिक भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया बट इट्स अ गिवन देयर इज यू डोंट नीड टू क्लोज योर हाउस व्हेन यू आर इन अ कंटोनमेंट आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं है दैट्स अ गिवन यू नो यू आर सेफ वुमेन आर सेफ दैट्स अ गिवन उसमें मतलब हाउ डू आई पुट इट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी ट्रू टू द इंडियन आर्मी And these things are a system, a culture hai wahan ka, which everybody follows. And everybody is, we understand that aapki ho sakta hai kisi apne senior officer se shikayat ho, because we are all human beings, right? But you will not see any army officer bad-mouthing the army. Because the army itself is above board. Fauj toh phir fauj hai. The army is above board, always. So, in all respects. Aur hume banaya bhi fauj ne hai na. फौज तो माँ है हमारी इट इज लाइक अ मदर हु हैज दिस थिंग अब हम जैसे कुछ बच्चे नलायक हैं वो बात ठीक है लेकिन माँ तो फिर माँ होती है तो माँ कान भी खींचती है आपको पता है मेरी यूनिट के मेरे सीनियर ऑफिसर्स इफ आई डू समथिंग रॉन्ग ऑन टेलीविजन इफ आई से समथिंग रॉन्ग समटाइम्स इफ आई से समथिंग रॉन्ग ऑन ट्विटर मुझे आर्मी छोड़े हुए 21 साल हो गए नुपुर जी आज भी यूनिट से फोन कॉल आ जाते हैं मेरे जो सीनियर्स हैं वो तो सम मेनी ऑफ देम आर रिटायर्ड एंड ऑल दैट मेनी ऑफ देम इनफैक्ट मेरी सीनियरिटी का तो यूनिट में ऑब्वियसली कोई है ही नहीं नो ऑब्वियसली नोबडी इज देयर नाउ और मेरे जो कोस्टमेट्स हैं मेनी ऑफ देम आर ब्रिगेडियर्स नाउ इन द आर्मी सो कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स एक्चुअली सो अब तो है नहीं कोई यूनिट में लेकिन अभी भी यूनिट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रिटायर्ड इफ दे फाइंड दैट आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग अभी भी डांट देते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 साल पहले इसने फौज छोड़ी है एंड ही इज नो लॉन्गर इन द आर्मी और इन द यूनिट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता माय फर्स्ट सीओ ही कॉल्ड मी आई डिड समथिंग व्हिच वाज इवन आई रिग्रेट एंड आई रिग्रेट दैट इवन टुडे आई डिड दैट एंड माय सीनियर ऑफिसर कॉल्ड मी फ्रॉम द यूनिट लॉन्ग टाइम बैक एंड ही सेड गौरव नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर ऑफ 17 कमाओ They'll hold you consistently to very high standards. Or, because unit ka, you have to lump it, you can't say anything. Aapki pattern ke officer ko call hai, aap kya bologe usko? Aapko yes sir hi bolna hai. Unko retire hue, 1994 mein CO the mere wo. Suratgarh mein, 1994 mein, he was my first CO. He'll just call up and he'll just say, Gaurav, not expected. I'll say, sir, I'm very sorry and I'll make it right. Well done, son. Thak, bas, 30 second ka phone call, jyada lag le baithne hai unki. ये
बहुत अच्छा लगा, इतने सारे इन्फॉर्मेशन इन इनसाइड, इतने सारे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड जो हमें पता नहीं होता है नॉर्मल लोगों को. और आपने बताया स्पेशली अगर जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आई थिंक दीज आर द वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. तो इसके साथ ही हम आज का एपिसोड खत्म करना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मेजर आर्या. और दर्शक आप लोगों को तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और आप लोग सचमुच अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. एंड वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी सून. सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा. ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें. तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.